स्वागत आदाब सलाम सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज एक्सप्लोर करेंगे जोगिंदर नगर के 5 बेस्ट फूड प्लेसेस। और हमारे साथ 3 भूखड़ और है मुझे मिला के, तो आज खाएंगे पियेंगे ऐस करेंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं और मजा करते हैं थोड़ा। तो दोस्तों फर्स्ट डेस्टिनेशन पे हम पहुंच चुके हैं, तो आप सामने देख सकते हैं मेरे बिलिंग कॉम्प्लेक्स दोस्तों, बिलिंग कॉम्प्लेक्स जो जोगिंदर नगर में है। तो यहीं पे एक खाने के लिए रेस्टोरेंट आपको मिलेगा मैपल, तो चलते हैं वहाँ साउथ इंडियन ट्राई करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वहाँ पे मिलता है। तो चलते हैं। सो दोस्तों बिलिंग कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पे आपको मैपल रेस्टोरेंट मिल जाएगा, तो चलते हैं अंदर। चलिए भाई, वैसे आप तो पहले भी आ गए होने, क्यों भाई एक बार? ठीक है। सो बेस्ट, हर जगह पे हम जाते हैं तो अलग अलग वहाँ की स्पेसिफिकेशन होती है, ऐसा नहीं कि खाने में एक ही चीज़ मिलेगी, लेकिन जो हमें यहाँ पे पसंद आई वो भी आपको शेयर करेंगे ताकि आप भी इसका टेस्ट ले सकें। सो दोस्तों मैपल में जो है वो साउथ इंडियन बहुत अच्छा मिलता है, तो आप यहाँ पे साउथ इंडियन में मसाला डोसा और पनीर मसाला डोसा जो है वो ट्राई कर सकते हैं। वैसे इडली भी है, इडली का यहाँ पे अभी बैटर बना नहीं है, नहीं तो हम चाहते थे कि इसका भी ऑर्डर कर दिया जाए। तो अभी मसाला डोसा और पनीर मसाला डोसा, फिर उसके बाद देते हैं आपको रिपोर्ट। सो फर्स्ट डिश हमारी पहुंच चुकी है, बाकी टेस्ट करके आपको बताएंगे। ये है पनीर मसाला डोसा। तो सबसे पहले इसका करेंगे हम पोस्टमार्टम, देखा जाएगी अंदर स्टफिंग इसकी, मुंह में पानी आना चाहिए भाई। तो इसको तोड़ के और थोड़ा सा इसमें आप डिप करके अगर दे रहेगी मन में लड्डू फूटा है। आपके मुंह में पानी आ रहा हो तो जरूर मैपल में आए और मजा करें, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, अल्टीमेट है भाई। मैपल से जो है वो हम निकल चुके हैं, ऑलरेडी साधु भाई ने आपको लोकेशन जो थी वो बता दी थी, बाकी लास्ट में जब हम इसको सभी जगह पे जा आएंगे तो उसके बाद ही फिर एक एनालाइज करेंगे बैठ के कि क्या क्या है, जो चीज़ें मतलब जो हम बता रहे थे वो सही थी। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, सेकंड। बाय बाय। सो दोस्तों अब जा रहे हैं हम अपनी सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है ओनम फूड पॉइंट, जो कि सामने ही है मेरे यहाँ पे। सो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट डिश कौन सी हमारी। तो चलिए, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कैफे है, बाकी एक जगह देखते हैं कहाँ पे बैठे। हाँ जी तो दोस्तों ऑर्डर जो है वो रिटर्न में देना पड़ेगा, तो भाई ने ऑर्डर जो है वो लिख दिया है। ऑर्डर है कुल्हड़ पॉट पिज़्ज़ा एक और समोसा एक, क्योंकि टेस्टिंग ही करेंगे हम, तो देखते हैं भाई किस तरह का टेस्ट आता है। तो दोस्तों जंबो समोसा इज हियर, तो देखते हैं अब अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की ही बारी है कि टेस्ट कैसा है इसका, तो अपने रिव्यू जरूर दें भाई। देखो ना तो दोस्तों नेक्स्ट आइटम जो है वो आ गई अभी कुल्हड़ पॉट पिज़्ज़ा, तो भाभी जी अपने बताएंगे कि कैसा है टेस्ट। चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा टेस्ट एनहांस करने के लिए। जो नॉर्मल पिज्जा होता है ना उससे उतना बेहतर नहीं है, इसका टेस्ट कुछ और है, अभी हमने ट्राई नहीं किया था पहले, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम हमने कुल्हड़ पिज्जा यहाँ पे ट्राई किया, बाकी जंबो समोसा इज ओके। तो दोस्तों ये जो है वो मेन मार्केट के बीच में ही है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी सेकंड डेस्टिनेशन आपने देख ली हमारी ओनम ट्रीट वाली, तो उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, क्योंकि टेस्ट जो था वो काफ़ी अच्छा था, बाकी आपने देख लिया होना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर।
तो दोस्तों थर्ड डेस्टिनेशन सबका फेवरेट हंगरी पॉइंट। हंगरी पॉइंट का पिज़्ज़ा भाई सबने खाया होगा, काफ़ी लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है, हम भी उसी में हैं। तो एक्चुअली हमारा ये है कि हम पहले ही एक जगह खा के आए फिर दूसरी जगह खाया, तो हमें लग रहा है अगर पिज़्ज़ा खाएंगे तो तीसरी चौथी जो बाकी पाँचवीं जगह है तो उनके लिए कुछ खाने को रह जाएगा, तो जगह ही नहीं बचेगी तो काहे का। तो मुझे लग रहा है कि पिज़्ज़ा मिस करते हैं, सभी को पता ही है। तो थर्ड डेस्टिनेशन हंगरी पॉइंट थी। वैसे हंगरी पॉइंट की लोकेशन जो है वो बीच मार्केट में ही है, पेट्रोल पंप के साथ आपको हंगरी पॉइंट मिल जाएगा, कभी भी आप आए तो विजिट जरूर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सो दोस्तों बैड लक हो चुका है क्योंकि ऋषभ के मोमो भाई साहब जोगिंदर नगर में फेमस हैं। तो स्पेशली इस टाइम आपको मैं अगर टाइम दिखाऊँ तो टाइम जो है वो 12:30 हो चुके हैं, तो हम जो है वो टाइम बिल्कुल लेके आए थे कि इसी टाइम तक ये खुले होते हैं, लेकिन मोमोज जो बंद हैं तो भाई साहब ठीक है बाहर से ही दर्शन करके अब आगे निकलते हैं। लेकिन फोर्थ डेस्टिनेशन हमारी थी ऋषभ के मोमो, और बहुत ही फेमस है यहाँ के जोगिंदर नगर के। कोई भी बंदा अगर आपको जोगिंदर नगर में जानता है एक बार पूछ के देखना। लोकेशन की बात अगर मैं करूँ तो इसी के बगल में सिविल हॉस्पिटल है और मेन रोड जोगिंदर नगर से मंडी रोड पर जब आप निकलेंगे तो आपको सिविल हॉस्पिटल की निचली साइड को ये मिल जाएगा। तो चल दीजिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सो दोस्तों आ गए हैं भाई अभी अपनी लास्ट लोकेशन पे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या खासियत है। पांचवी नया कैफ़े खुला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मंडी में हैं और मंडी की कचौरियाँ नहीं खाई तो समझो आप फेल हैं। तो हमारा तो ये है कि टेस्ट अपना पुराना ही चलता है, जैसे कि अब थोड़े दिनों में सरसों का साग मिलेगा तो हमारी फेवरेट डिश वही रहेगी, तो अभी करेंगे कचौरियाँ टेस्ट, बाकी तो भाई ऐवें ही है, कचौरी करेंगे टेस्ट अभी देखते हैं। दोस्तों अगर हम लोकेशन की बात करें तो मीनाक्षी कैफे जो है फाटक के पास ही, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है यहाँ पे और शिवाजी इंडिया साथ में, तो यहाँ पे आपको पास में मिल जाएगा, बोर्ड दिखता हुआ मेन रोड के साथ में ही है। तो आइए और यहाँ पे कचौरी का आनंद लीजिए। पाँचवीं डिश जो है वो आ चुकी है, एक हमने खाई नहीं, एक हमें मिली नहीं, पर लास्ट फाइनली जो है वो मंडी की फेमस माँ की कचौरियाँ आ चुकी हैं। तो अगर थोड़ा सा आगे आगे आप देखें तो भाई साहब स्टफिंग जो है वो फुल ज़बरदस्त माह की दाल की हो चुकी है, और हमारे निखिल भाई को टेस्ट कराएंगे क्योंकि इनका टेस्ट ज़रूरी है। पानी तो हमारे मुंह में भी आ रहा है, बड़े ड्राइंग बार खाई गाइस, ज़बरदस्त है इतना मज़ा आ गया। ये देखिए आप, और ये चटनी दी हुई है साथ में। अच्छा माँ की कचौरियाँ वैसे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती हैं, तो आइए और मज़े कीजिए। दोस्तों जोगिंदर नगर के 5 फूड प्लेसेस जो आपको हमने दिखाया भाई साहब बेस्ट मिलता है यहाँ पे, एक जगह बंद थी भाई साहब, उसके मोमोज तो ज़बरदस्त हैं और जोगिंदर नगर में सबसे ज़्यादा फेमस हैं, और हंगरी पॉइंट का आपको पता है। बाकी रिव्यू इनका भाई लोगों का बहुत ही अच्छा आया क्योंकि टेस्टी थी चीज़ें। बाकी एक नज़र आपके सामने फिर से भाई साहब कैसा रहा? नहीं भाई ज़बरदस्त था सारी चीज़ें ही, और बाकी हमने डोसा जो खाया स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा था, टेस्ट भी, क्योंकि डोसे को लेके जो था वो इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, ये कह रहा था भाई डोसा मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को मतलब थोड़ा सा अच्छा फील नहीं आता है खा के, लेकिन भाई इस बार डोसा पास हो चुका है, अल्टीमेट था पनीर डोसा। तो भाई साहब पनीर मसाला डोसा। तो दोस्तों कचौरी लास्ट में हमने खाई, कचौरी तो आपको पता ही है सबकी फेवरेट है, तो मज़ा आता है ऐसी चीज़ें खाने का, क्योंकि ये चीज़ें घर पे बनाने में आपको पता है क्वांटिटी ज़्यादा लग जाती है टाइम, लेकिन भाई मज़ा आया। तो दोस्तों बेस्ट 5 फूड प्लेसेस को जरूर विजिट करें कभी जोगिंदर नगर का चक्कर लगे। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज क्रेजी ब्रदरहुड, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरह प्यार बनाएं, कमेंट करके हमें बताएं कि किस तरह का आपको वीडियो लगा। बाय बाय।